एम डॉक्टर निधि रस्तोगी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक प्लेसेंटा, इट्स डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। व्हाट इज प्लेसेंटा एंड व्हाई इट इज डेवलप्ड? बेसिकली वीवीपैरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस। ऐसे एनिमल्स के जो एग्स होते हैं वो माइक्रोलेसिथल होते हैं। माइक्रोलेसिथल मींस कि उनमें योग का अमाउंट बहुत कम होता है। एंड एज ऑल ऑफ यू नो, एग्स हैविंग योग, एंड योग इज द न्यूट्रिटिव मटेरियल विच गिव्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। कोई भी ग्रोइंग एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन है, जो खाना है, वो उस योग से मिलता है। तो जब योग का अमाउंट कम है तो ग्रोइंग एम्ब्रियो को खाना कहां से मिलेगा? सो दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय द प्लेसेंटा। सो कोई भी विवीपैरस एनिमल में ग्रोइंग एम्ब्रियो डिराइव्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स बॉडी। अब मदर्स बॉडी से एम्ब्रियो तक नरिशमेंट कैसे पहुंचता है? सो इट पासेस फ्रॉम द मदर्स बॉडी टू द एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो डेवलप्स एंड हेल्प्स इन गेटिंग द नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स बॉडी टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। सो प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मैटरनल टिश्यूज और जो ग्रोइंग एम्ब्रियो के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हैं, उन दोनों से मिलकर डेवलप करता है। सो प्लेसेंटा कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। उनको हम उनके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। कौन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व हैं प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में? जो डेवलपमेंट प्लेसेंटा बनता है उसमें विलाई और उसके शेप्स कैसे होते हैं, उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, या हिस्टोलॉजी के बेसिस पे हम प्लेसेंटा को डिवाइड कर सकते हैं। तीन तरह से एम्ब्रियो का यूट्राइन वॉल में या म्यूकोसा में, यूट्राइन म्यूकोसा में इम्प्लांटेशन। One is superficial implantation. So on that basis of implantation, placenta can be deciduate type or non-deciduate type. Non-deciduate type of placenta is that placenta which at the time of childbirth there is a no loss of blood and tissue. And in deciduate type of placenta, at the time of childbirth there is a loss of blood and maternal tissues. So superficial placenta में just growing embryo just comes and attaches on the surface of uterine wall. In eccentric placenta, it settles down on the center and surrounding tissues overlap it. But in interstitial placenta type of implantation, embryo is completely surrounded and circled by the maternal tissue. So in this type of implantation there is a maximum blood loss and maternal tissue loss. So come back to the placental types. On the basis of extra embryonic membranes, placenta can be of three types: yolk sac placenta, chorioallantoic placenta, or we simply say as allantoic placenta, and chorionic placenta. So yolk sac placenta kya hai? जैसा कि हम सब जानते हैं, तीन तरह की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं: योक सैक, कोरियन एम्ब्रियन एंड एलेंटॉइड्स। सो इन केस ऑफ योक सैक प्लेसेंटा, जो योक सैक मेम्ब्रेन है वो हाईली डेवलप्ड होती है। यो एलेंटॉइड्स छोटा सा रह जाता है और योक सैक की वॉल जो है टुवर्ड्स द कोरियोनिक साइड it become highly vascular. So, yolk sac, it acquires mesoderm, highly vascularized mesoderm, not only all over the surface, but only
इन अ स्मॉल एरिया. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, योक्सेक इज डेवलप्ड इन अ लार्ज वे, एलेंटॉइस छोटा सा रह गया है, एंड द अपर साइड ऑफ द दिस ग्रोइंग एम्ब्रियो दैट इज ऑन द सर्फेस ऑफ दिस हेड, योक्सेक बिकम हाईली वेस्कुलराइज्ड. वेस्कुलराइज्ड मीन्स कि मीजोडर्म ऑफ कोरियन एंड मीजोडर्म ऑफ योक्सेक फ्यूज्ड एंड इट फॉर्म अ वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर. इन कोरियो एलेंटॉइक प्रेसेंटा, जैसे जो कि मार्सुपियल्स में डेवलप होता है, योक्सेक छोटा सा रह जाता है, लेकिन एलेंटॉइस डेवलप करता है और एलेंटॉइक मेम्ब्रेन इट फ्यूज्ड विद द कोरियन. कोरियन जैसा कि हम सब जानते हैं सबसे बाहर की तरफ का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है. सो दिस इज द कोरियन विच कम्स इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ मैटरनल टिश्यू. So, यहां पर इन कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा योक्सेक छोटा सा है जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, लेकिन ये एलेंटॉइस इट डेवलप्स फुल्ली एंड इट फ्यूसेस इन द लोअर पोर्शन विद द कोरियोनिक मीजोडर्म. सो कोरियन का मीजोडर्म और एलेंटॉइस का मीजोडर्म, जो कि बाहर की तरफ अंदर की तरफ एंडोडर्म से बना होता है, बाहर की तरफ मीजोडर्म से बना होता है, और ये दोनों मीजोडर्म फ्यूज करके हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो दिस काइंड ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा. सो द नेक्स्ट प्लेसेंटा इज कोरियोनिक प्लेसेंटा. कोरियोनिक प्लेसेंटा, एज द नेम सजेस्ट, इसमें सिर्फ कोरियन इन्वॉल्व है. द आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेसेंटा दैट इज द कोरियन, विच इज involved in the formation of placenta. It forms a finger-like projections, it forms a villi, and it penetrates into the uterine tissues. और uterine tissues में uterine walls से, uterine circulation से, it absorbs nutritive material and passes it to the growing embryo. So in this diagram you can see here, yolk sac and allantois, they remain small in size. But the outermost layer, that is the chorion, it become highly vascularized. And it is these finger-like projections or chorionic villi, now they are embedded in maternal tissues. So this is the, these are the three types of placenta on the basis of extra-embryonic membrane involved in the development of placenta. So now come to the second type of placenta, which we can divide on the basis of villi structure and its shape. So first is diffuse type of placenta. So in diffuse type of placenta, chorionic villi is developed all over the surface. The second is cotyledonary type of placenta. Diffuse type of placenta developed in horses and pigs, while in cotyledonary placenta, this is developed in ruminants. It forms a patches, जो tuft होते हैं, छोटे-छोटे villi के structures बनते हैं, जो कि पूरे surface पे distribute नहीं रहते, थोड़ी-थोड़ी जगह पे bundles की shape में रहते हैं, जिन्हें हम cotyledon कहते हैं. That's why this placenta is known as cotyledonary placenta. This is present in ruminants. Zonary placenta, there is a one zone which forms a complete or incomplete griddle-like structure surrounding the fetus. It is present in cats and dogs. While in discoidal placenta, chorionic villi, basically they are present only in one place. They form a disc-like structure, ek round structure banate hain, so that's why it is known as discoidal type of placenta. Ruminant animals, cows, buffaloes, these develops discoidal placenta. So now come to the third type of placenta, which we divide on the basis of histology. If we see the structure in the placenta, placenta ke development mein 6 layers involved hoti hain. 3 layers from the fetus side and 3 layers from the maternal side. Three layers which
comes from the fetal side, that is the first of all the fetal endothelial cells or fetoendothelial membrane, blood vessels ka jo structure hai, which is present in our connective tissues. And on the outer side, that is the chorionic epithelial cells, because the chorion is the layer which comes in a contact of maternal tissues, because it is the outermost layer. And from the maternal side, the same three layers are present. Maternal blood vessels ki layer hoti hai, blood vessels which are present in the maternal connective tissues, and the outermost maternal ya endometrial epithelial cells. So these six layers are present in placenta. कुछ प्लेसेंटा में छह लेयर प्रेजेंट होती हैं, कुछ में कुछ डीजेनरेट हो जाती हैं. सो ऑन दैट बेसिस देयर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ प्लेसेंटा. एपिथेलियोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा, जिसमें ऑल सिक्स लेयर्स आर कंप्लीटली इंटैक्ट, फॉर एग्जांपल हॉर्सेस एंड काउस. इन एंडोथेलियोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा, मैटरनल एपिथेलियम and maternal connective tissues both become degenerated structure. Blood vessels जो है वो intact रहती हैं, and blood vessels direct जो chorionic villi हैं, they are directly come in a contact of blood vessels of maternal sides. So endothelial chorion type of placenta, it is present in cats and dogs. Hemochorial type of placenta, in hemochorial type of placenta, all three layers from the maternal side, that is connective tissue, epithelial cell or endothelial or endometrial cells of blood vessels, they completely degenerate. So, jo blood hai, RBCs hai, blood material hai, blood hai, jo chorionic villi hai, they are directly swims in the pool of blood. So, hemochorial type of placenta efficiency wise, is the most efficient type of placenta. इसमें बहुत swift exchange of material होते हैं, इसमें बहुत swift exchange of gaseous materials होते हैं, it provide protection and all that. But it is a deciduate type of placenta, क्योंकि chorionic villi maternal tissues में embedded हो जाते हैं, वो blood pool में directly बात करते हैं, so at the time of childbirth, in hemochorial type of placenta, there is a loss of blood and maternal tissues. So basically, placenta ke functions kya hai? Placenta bahut sare, khali nutrition hi provide nahi karta. Placenta bahut sara kaam karta. The very first thing, it provides nutrition definitely. New food or nutritive material passes from mother's blood into fetus blood through the placenta. Second, it provides digestion. Placenta mein kuch digestive enzymes hote hain, which digest proteins before passing it to the fetal blood vessels. It is the method for respiration. Maternal blood se oxygen jaati hai fetus mein, aur fetal blood circulation ka carbon dioxide comes into मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन. उसी तरह से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो फीटस जो है ग्रोइंग फीटस में नाइट्रोजनस वेस्ट है, डेफिनेटली दीज वेस्ट कम्स फ्रॉम फीटस टू मैटरनल साइड और फिर वो मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन से बाहर निकल जाते हैं. प्लेसेंटा, इट इज अ वेरी इफेक्टिव बैरियर. बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे बैक्टीरिया जो मदर को हो सकते हैं, मदर को इन्फेक्शन होता है लेकिन मदर से फीटस तक नहीं जा पाते, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ब्लड सर्कुलेशन कमिंग फ्रॉम द मदर. मदर से ही उसको सारा मटेरियल मिलता है, लेकिन प्लेसेंटा जो है वो इफेक्टिव बैरियर भी बनाता है. वो पैथोजेंस को मैटरनल साइड से फीटस तक पास नहीं होने देता. Simultaneously, it also work as an endocrine gland. वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, especially human chorionic gonadotropin hormone, which helps in
balancing the placenta, which helps in maintaining the placenta as well as the embryo. Human chorionic gonadotropin hormone is very important for the proper development of embryo. So, on the basis of extraembryonic membranes, on the basis of villi which develops, and on the basis of histology, we can divide placenta in different categories. So, this is all about the structure, function, and development of placenta. Thank you.